न्यू इतफाक क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में लाहौर प्रेस क्लब, स्पोर्ट्स राइटर्स और लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने लाहौर प्रेस क्लब को और स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन की टीमों को हराकर पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां इसका मुकाबला मुल्तान के साथ होगा। सहाफियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स तवातर के साथ होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जर्नलिस्ट आज चौके छक्के मार रहे हैं, वो भी स्पोर्ट्समैन बने हुए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र का हिस्सा हो, लेकिन ये स्पोर्ट्स एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें सब उम्र का हिस्सा लोग चले सकते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसने जो यूथ है उसको एंगेज किया है हेल्दी एक्टिविटीज़ में, और जर्नलिस्ट जो कि माशरे की अच्छी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हैं, आज वो खुद इस एक्टिविटी का हिस्सा हैं। बहुत एक शानदार किस्म का एक फेस्टिवल बन गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सहाफ़ियों को कोई किसी भी सरकारी किसी फेस्टिवल में इन्वाइट किया जाए। ये बहुत अच्छी रवायत है, इसको भी रवायत को। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सहाफ़ियों का क्रिकेट इवेंट अपनी रंगीनियों के हवाले से मुद्दतों याद रखा जाएगा। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने जहां माशरे के तमाम तबकों को खेलने के मौके फराहम किए, वहीं सहाफ़ी भी किसी से पीछे नहीं रहे। कैमरामैन जाय शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।